इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अनुच्छेद 25 पर एक अहम फैसला सुनाया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच यूपी पुलिस के कांस्टेबल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और कांस्टेबल ने पुलिस महानिदेशक के 2020 के आदेश के खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी। पुलिस महानिदेशक ने अपने आदेश में उचित पहनावे और उचित वर्दी के संबंध में एक आदेश पारित किया था। विभागीय जांच में ये बात सामने आई थी कि कांस्टेबल मोहम्मद फरमान ने अपनी दाढ़ी कटाने के अपने सीनियर अधिकारियों के आदेश के बाद भी ऐसा नहीं किया और जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया था। बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि अनुच्छेद 25 के तहत पुलिस बल के जवान को दाढ़ी रखने का मौलिक अधिकार नहीं है। बेंच ने कहा कि पुलिस बल एक अनुशासित बल होना चाहिए, ऐसे बल की छवि धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। और बेंच ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया जिसमें वादी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष साबित नहीं कर पाया था। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दाढ़ी रखने के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया है। साथ ही साथ एक और याचिका जो कि दायर की गई थी सस्पेंशन ऑर्डर और चार्जशीट को लेकर, उसमें भी दखल देने से इनकार कर दिया गया। दरअसल ये कहा गया कि पुलिस की जो छवि है वो धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, सेकुलर होनी चाहिए। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, जो दाढ़ी रखने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है, साथ ही साथ याचिकाकर्ता पर ही सवाल खड़े कर दिए हाईकोर्ट ने। देखिए बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीधे तौर पर इस याचिका को खारिज किया और सीधे तौर पर यह भी कहा कि जो पुलिस बल होता है वो धर्मनिरपेक्ष होता है, सेकुलर होता है। ऐसे में इस तरह की याचिका से सीधे तौर पर पुलिस बल की तमाम जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस बल चूंकि तमाम समाज के हर वर्ग के लिए होता है, तो ऐसे में दाढ़ी रखकर एक समाज विशेष को जो है एक इंगित करना ये भी गलत है। इस तरह की जो टिप्पणियाँ हैं वो कोर्ट ने कही हैं। इसके साथ साथ कोर्ट ने बहुत स्पष्ट आदेश में कहा है कि इस तरह की जो याचिकाएं होती हैं ये समाज में जो है भिन्नताएं पैदा कर सकती हैं और इसको लेकर उन्होंने इस याचिका को खारिज भी किया है। चूंकि ये पूरा मामला तब सामने आया था जब बागपत के एक सब इंस्पेक्टर ने दाढ़ी रखी थी और उस वक्त उसको सस्पेंशन किया गया था। उस वक्त ज़बरदस्त तरीके से हंगामा हुआ था और ये बताया गया था कि जो सस्पेंशन कारण था कि जो पुलिस का मैनुअल होता है, जो ड्रेस मैनुअल होता है, उसमें इस तरह की चीज़ें करने के लिए पहले इजाज़त लेनी पड़ती है और ये रूल्स बहुत पहले चले आ रहे हैं, इसमें कोई नया बदलाव नहीं। ऐसे में इस बात को लेकर बाकायदा कई जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने विवाद भी पैदा किया था, कई तरह के बयान भी सामने आए थे। लेकिन उस वक्त जब जो सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने माफ़ी मांगी थी और तत्कालीन जो बागपत के कप्तान थे उन्होंने इस माफ़ी को स्वीकार किया, उनका निलंबन वापस करके ड्यूटी ज्वाइन करा दी थी और चेतावनी के तौर पर यह कहा था कि इस तरह के ड्रेस मैन्यूल, चूँकि पुलिस विभाग में एक ड्रेस मैन्यूल होता है और उस मैन्यूल के अनुसार आप दाढ़ी अगर आपको रखना है तो उसके लिए आपको बकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बकायदा एक कोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई थी। अयोध्या में एक सिपाही थे उनकी तरफ से ये याचिका दायर की गई थी। कहा गया था कि दाढ़ी रखने को लेकर जो DGP का सर्कुलर था 2020 का उसको लेकर चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने उस चुनौती को खारिज कर दिया। सीधे तौर पर कहा कि पुलिस की जो छवि होती है एक धर्म निरपेक्ष बल्कि पुलिस बल की छवि होती है और ऐसे में अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो इससे समाज में भिन्नता पैदा हो सकती है। तो इसी तरह के आदेश जो हैं वो कोर्ट ने दिए हैं और उनकी दो अलग अलग जो याचिकाएं थी उन दोनों पर ही एक में याचिका। देखिए इससे पहले भी इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं और उस दौरान भी सिर्फ अगर हम देखें तो एक तरीके से एकता की मिसाल जो है वो पेश की जानी चाहिए, सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिख समुदाय को ही इजाजत है कि वो पगड़ी रख सकते हैं। देखिए बिल्कुल, जो पुलिस का मैन्यूल है उसके अनुसार सिख समुदाय को ही इजाजत है कि वो पगड़ी रख सकते हैं। इसके साथ साथ बाकायदा जो ये दाढ़ी बनाने वाला है इसमें जो मैन्यूल आया था, रूल्स एंड मैन्यूल्स का जो ऑर्डर आया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि दाढ़ी बढ़ाने से किसी को आज़ाद नहीं है। लेकिन इसके लिए बाकायदा एक संवैधानिक किया है, इसके लिए बाकायदा एक आदेश जो है वो लेना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है पुलिस अधिकारी से, उसके बाद ही दाढ़ी बढ़ा सकते हैं। अगर आप याद होगा तो उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस महकमे में एक ऐसी ही पुलिस महकमा है
यहाँ पर मूंछ रखने को लेकर मूंछ भत्ता दिया जाता है। अगर आपकी आपको बड़ी मूंछ रखनी है तो इसके लिए आपको मूंछ भत्ता मिलता है, लेकिन उसके लिए भी आपको इसके लिए अवगत कराना पड़ेगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें लखनऊ बेंच ने इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया है और साफ तौर पर एक तरीके से आदेश भी दिया है कि किस तरीके की जो छवि है अगर पुलिस की बनती है तो इससे गलत मैसेज समाज में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल रघुवंशी, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।